हे एवरीवन, तो आज हम शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ये बहुत ही झटपट में बन के रेडी हो जाता है। और ये कभी भी आपको खाने का मन हो तो ये इजीली आप बना सकते हैं, बहुत ही झटपट में बन के रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हुआ है और बहुत ही यम्मी सा लगता है खाने में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो पहले हम फिलिंग बना लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं एक पैन ले ली हूँ और 2 चम्मच करीब यहाँ पे मैं सरसों ऑयल डाली हूँ। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे आधी छोटी चम्मच यहाँ पे डालेंगे जीरा, तो साबुत जीरा मैं ऐड की हूँ। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे आधी छोटी चम्मच यहाँ पे मैं धनिया ऐड की हूँ। तो आप चाहें तो कूट के डालें या क्रश करके डालें, इससे बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। और उसके बाद 1 चुटकी के करीब यहाँ पर मैं हींग ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही यम्मी सा नाश्ता बनता है। तो उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च का यहाँ पे कूट कर मैं यहाँ पे डाली हूँ, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको आपको भूनना है 1 मिनट तक। तो यहाँ पे लो फ्लेम में कर दी हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी। और उसके बाद हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच यहाँ पे रेड चिली पाउडर हम डाल देंगे। और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे जीरा, तो यहाँ पे आधी छोटी चम्मच जीरा मैं ऐड कर दी हूँ। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे तो आधी छोटी चम्मच यहाँ पे मैं चाट मसाला ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट तक आपको भून लेना है लो फ्लेम पे, तो आपको हाई नहीं करनी है यहाँ पे ना, तो नहीं तो ये मसाला जल जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं अच्छे से भुना गया है। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे आलू, तो आलू को मैं यहाँ पे उबाल करके और इसको हम मैश करके यहाँ पे मैं डाली हूँ। तो ये 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने यहाँ पे उबाल करके और अच्छे से यहाँ पे मैश करके यहाँ पे मैं ऐड कर दी हूँ। तो इसको हम भून लेंगे, तो ये भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट टाइम लगता है। और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे नमक, तो नमक स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे हरा धनिया, तो हरा धनिया से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फिलिंग बन के रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छे से इसमें से खुशबू आने लग गया है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, 1 मिनट तक हम और इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से भुना चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे 1 मिक्सिंग बाउल और 1 कप हम डाल रहे हैं यहाँ पे बेसन, तो मैं 1 कप यहाँ पे ऐड डाली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी, और उसके बाद आधी छोटी चम्मच यहाँ पे डाल देंगे रेड चिली पाउडर डाल देंगे इसमें, और ये कश्मीरी मिर्च डाली हूँ आधी छोटी चम्मच, और थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च पाउडर मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पर मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ और हरी धनिया डाल रही हूँ। और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे नमक, तो नमक स्वाद अनुसार हम डाल देंगे। और उसके साथ हम डाल देंगे अजवाइन, तो अजवाइन जो भी बेसन जो भी चीज़ बना रहे हैं तो अजवाइन ज़रूर डालें, इससे बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें घोल बनाना है। तो आपको एक बार में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से ये, और थोड़ा डाल के और आप चलाएंगे ना तो इसमें लंग्स बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर घोल बनाकर रेडी कर लेना है, बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा मैं पानी और ऐड कर देंगे, और आपको यहाँ पर पतला घोल नहीं बनाना है और मीडियम में बनाना है, मोटा ना पतला। तो इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो हम डाल देंगे यहाँ पे, इससे बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनता है और बहुत ही टेस्टी। तो उसके बाद हम साइड पर रख देंगे और यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड। तो यहाँ पे मैं व्हाइट वाला ब्रेड ली हूँ, तो यहाँ पे मैं ली हूँ 3 ब्रेड। तो आप चाहें तो ये ब्राउन वाला ब्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये किनारा वाला जो ब्राउन है ना, वो उसको हम निकाल देंगे इस तरीके से कटिंग करके, और ये बहुत ही ईजिली कटिंग हो जाता है। तो चारों तरफ से हम जो ब्राउन वाला जो परत है तो हम उसे निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2 ब्रेड ले लिए हैं, और ऊपर में हम डाल देंगे इस तरीके से सॉस, और आपके पास हरा चटनी हो तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से अच्छे से चम्मच से ऐसे फैला देंगे, और जो मैं फिलिंग बनाई थी ना उसके ऊपर हम डाल देंगे। तो फिलिंग आप अगर आपको सूखी लगे तो पानी थोड़ा सा हल्का सा मतलब डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हल्का ठीक बना सकते हैं। इसको हम चारों तरफ से डाल देंगे और इस तरीके से इसको हम कवर कर देंगे, जिसे मैं बना रही हूँ वैसे आपको करना है। तो इस तरीके से अच्छे से कवर हो गया है और ये बिल्कुल नहीं हटेगा, ये चिपक जाता है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। तो आप चाहें तो इस तरीके से आप इसे फ्राई कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे चार हिस्सों में कटिंग की हूँ इस तरीके से, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही यम्मी लगता है और ऐसे भी ये खा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को बना लेंगे और जो मैं घोल बनाई थी ना इसमें हम डीप कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से डीप होने के बाद हम फ्राई करेंगे, तो एक एक करके हम डाल देंगे। तो यहाँ पे पैन में सबसे पहले हम तेल पहले ही गर्म करने के लिए रखती थी, तो ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो एक एक करके हम डाल देंगे और यहाँ पे अच्छे से पलट लेंगे, और यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना है फ्रेंड्स। बहुत ही यम्मी सा ये बन के रेडी होता है नाश्ता, और ये बड़ों और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है खाने में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाना, आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होता है फ्रेंड्स। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको लट पलट लेंगे और एक प्लेट में हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो एक एक करके हम निकाल लेंगे और बाकी का नाश्ता को भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्व कर ली हूँ सॉस के साथ। तो आप चाहें तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।